हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मीनाक्षी राघव। वेलकम बैक टू अवर ईएफई एकेडमी जयपुर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पीटीआई बैच में, जो कि आज आपको यहां पर देख रहे होंगे पूरा ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में है। तो आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के इतिहास के बारे में देखेंगे कि आखिरकार शारीरिक शिक्षा में जर्मनी का क्या रोल था, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री जर्मनी की। तो आगे देखते हैं, सबसे पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, जर्मनी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इस इतिहास में आपको ये चार नाम देखने को मिलेंगे और इन्हीं चार नाम से प्रश्न आएगा। मैंने क्या बोला, हमें जर्मनी में केवल ये चार नाम पढ़ रहे हैं और इनके बारे में देखना है, इन्हें क्या क्या बनाया था, क्या आविष्कार किया था, और इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन आज की वीडियो में सिक्योर रहेगा। 110% की जर्मनी के इतिहास से क्वेश्चन आता है। क्लियर है बात? तो हम चार लोगों की बात करने वाले हैं। कौन कौन से? जॉन बेनार्ड, ठीक है। सेकंड हमारे क्या है? क्रिस्टोफर। थर्ड हमारा क्या है? लुडविन जी। फोर्थ हमारा क्या है? एडोल्फ जी। पूरे नाम आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इनको गट्समथ के नाम से जानते हैं, तो हम केवल गट्समथ ही बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, इंग्लिश में कुछ और, तो आप समझ जाइएगा। चार लोगों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? जॉन बेनार्ड, सेकेंड है हमारे गट्समथ जी, थर्ड है हमारे लुडविन जी, और फोर्थ है हमारे एडोल्फ जी, ठीक है। पहले हम समझते हैं जॉन जी के बारे में। जो ये जॉन जी आपको दिखेंगे, यहाँ पर फोटो आप देख रहे होंगे, ये हमारे कौन है? जॉन जी हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। इनने क्या किया था कि जर्मनी में ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया था। तो वो कहाँ से पढ़कर आए थे? वो डेनमार्क के शिक्षक थे। डेनमार्क में वो टीचर की भूमिका निभा रहे थे। डेनमार्क से वो वापस आते हैं अपने देश में, ठीक है, जर्मनी में आते हैं, अपने मतलब कि बोला जाता है अपने एक्सपीरियंस को वो जर्मनी की शारीरिक शिक्षा में डाल देते हैं। क्लियर है बात? तो उन्होंने ना बहुत चीजों का आविष्कार किया, आगे देखेंगे। सबसे पहली बात, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देसाई, ये वर्ड याद रखना, देसाई नामक, यानी कि देसाई एक जगह है, उस पर उन्होंने एक पाठशाला खोला। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझना, देसाई एक जगह है, उन्होंने क्या किया, एक पाठशाला खोला, ठीक है। वो जो पाठशाला था वो किस नेचर का था? नेचुरलिज्म नेचर का था, यानी कि प्राकृतिकवादी था। प्राकृतिकवादी, आप लोग फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें आप चार वादी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये कौन कौन से फिलोसफर होते हैं और किस किस सिद्धांत पे चलते हैं। तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन आए कि हमारे जॉन जी हैं, उन्होंने स्कूल खोला था, यानी कि पाठशाला खोली थी, उस पाठशाला किस बेस पे खोली थी? तो आपका आंसर होगा प्राकृतिकवादी थे, वो नेचर से रिलेटेड थे, ठीक है, नेचुरलिज्म बोला जाता है इसको इंग्लिश में, नेचुरलिज्म। क्लियर है ये? उस पाठशाला का नाम क्या है? अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन जी ने कौन सी पाठशाला खोली थी, बहुत ही फेमस है ये, फैलेंथ्रोपिनियम। किसके नाम से था ये? फैलेंथ्रोपिनियम नाम की एक पाठशाला खोली, याद रहेगा, कब खोली थी? 1774 में जॉन जी ने क्या किया, एक पाठशाला खोली और उस पाठशाला का नाम रख दिया फैलेंथ्रोपियन। क्लियर है ये बात? उस पाठशाला के प्रथम जो टीचर थे वो कौन थे? जॉन सिमरन जी थे। अगर क्वेश्चन आ जाए फिलेंथ्रोपियन के प्रथम शारीरिक शिक्षक कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन सिमोन, साइमन भी बोलेंगे हिंदी में, साइमन बोलेंगे, ठीक है, जॉन साइमन थे, ये बात याद रहेगी। क्लियर है ये बात? वहां पर क्या क्या कराया जाता था विद्यार्थियों को? जिम्नास्टिक, फ्री हैंड एक्सरसाइज, कूदना भागना, ये सब मनोरंजक, मतलब कि हंसी मजाक वाले, जो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, मनोरंजक क्रियाएं कराई जाती थी, और साथ में शारीरिक क्रियाओं में व्यस्त रखते थे, हार्ड एक्टिविटी भी कराई जाती थी, दंड बैठक वगैरह, ये शारीरिक क्रिया उनको बोलते थे वो। क्लियर है ये बात? ये देखिए, ये हमारा
स्कूल है। सोचो उस टाइम पर इस तरीके का ये स्कूल दिखा करता था, और जो ये यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं ये हमारे जॉन जी हैं। कौन है? जॉन जी हैं, जो बेस्डो में ये स्कूल खोला था, और इस स्कूल का नाम क्या है? फैलेंथ्रोपिनियम। याद रहेगा अगर क्वेश्चन आए कि हमारे जॉन जी ने कौन सा स्कूल खोला था, अब तो नाम याद होना चाहिए, फैलेंथ्रोपिनियम स्कूल खोला था। ये आप वर्ड अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड अक्सर देखने को मिलेगा ही। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ स्कूल के बाद? ठीक है, एक नई पाठशाला खोली गई। ठीक है, एक नया स्कूल खोला गया, एक बोल सकते हैं एक नया इंस्टीट्यूट खोला गया, और उस इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, क्या दिया गया है यहां पर देखते हैं, शैनेपैंथन शिक्षा विद्यालय। याद रहेगा इंस्टीट्यूट खोला, और इसकी जो स्थापना है वो किन्होंने की थी, यहां पर लिखा है क्रिश्चियन गोथफिक जी ने की थी। अगर क्वेश्चन आए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना किन्होंने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा गोथफिक जी ने की थी। क्लियर है बात? किन्होंने की थी? गोथफिक जी ने की थी, और कब की थी? 1744 में की थी। क्लियर है? और जो ये थे ना क्रिश्चियन गोथफिक, वो पहले फिलोथ्रोपियन में टीचर रह चुके हैं। क्लियर है? और इस इंस्टीट्यूट के, जो ये आप येलो में देख रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के प्रथम शिक्षक कौन थे? हमारे काल जी थे। कौन थे? काल आंड्रे। याद रहेगा मैंने क्या बोला? समझना मेरी बात को। ठीक है, ये चीज अलग है। ठीक है, इसके टीचर प्रथम कौन थे? सिमरॉन नाम था ना अपना, यहां पर आपने पढ़ा था जॉन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन सिमोन, साइमन बोलेंगे हिंदी में और सिमोन बोलेंगे इंग्लिश में, तो जॉन साइमन की तरफ जाते हैं। जॉन साइमन हमारे फैलेंथ्रोपियन के प्रथम शिक्षक थे, यानी कि टीचर थे। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि दूसरा इंस्टीट्यूट खुला, उस इंस्टीट्यूट के प्रथम शारीरिक शिक्षक कौन थे? क्रिश्चियन काल आंड्रे जी थे। याद रहेगा कौन थे? क्रिश्चियन काल आंड्रे जी थे। क्लियर है ये बात? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे, बस हमें इतना ही पढ़ना था किनके? जॉन जी के बारे में, कि जॉन जी ने एक स्कूल खोला था, उस पाठशाला का नाम क्या था? फैलेंथ्रोपियन था। क्लियर है? फैलेंथ्रोपियन के प्रथम फिजिकल एजुकेशन के टीचर कौन थे? उनका नाम था जॉन साइमन। क्लियर है ये बात? ठीक है, उसके बाद दूसरा इंस्टीट्यूट खुला था, उस इंस्टीट्यूट के अलग टीचर थे। बस ये दो चीज हमें उनके पीरियड में याद रखनी है। इसके बाद आते हैं गट्समथ जी। अगर क्वेश्चन आए जर्मन जिम्नास्टिक के महापिता कौन हैं? देखो मैंने जोर डाला है, पिता की बात नहीं कर रही हूं मैं, इसके आगे आ रहा है ग्रांड, यानी कि पिता मां, या फिर बोल सकते हो महापिता कौन थे, तो आपका आंसर गट्समथ की तरफ ही जाना चाहिए। अक्सर कोश लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पिता कौन है और महापिता कौन है, तो महापिता तो हमारे गट्समथ जी ही थे। वो क्या थे ना, बोलते हैं ना कि थोड़े बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, 14-15 साल से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई वो जर्मन में जिम्नास्टिक सिखाते रहे, इसीलिए उनको महापिता बोला गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो देखेंगे हम जो हमारे गट्समथ जी थे, वो जो हमने स्कूल पढ़ा था ना क्रिश्चियन काल आंड्रे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। ठीक है, फिर उन्होंने अलग से क्या किया, सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती, संतुलन संबंधित कुछ क्रियाओं का आविष्कार की क्रिया। क्लियर है ये बात? तो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए शारीरिक शिक्षा के लिए, और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इसीलिए इनको महापिता बोला जाता है। क्लियर है ये बात? अगर क्वेश्चन आए जर्मन के महापिता किसको बोला जाता है जिम्नास्टिक के, तो आपका आंसर रहेगा गट्समथ जी को बोला जाता है। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, इन पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिम्नास्टिक फॉर यूथ। कौन सी लिखी थी? जिम्नास्टिक फॉर यूथ।
यूथ यानी कि हम जैसे बच्चे, जो हम तो अभी यूथ नहीं रह गए, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनको यूथ बोलते हैं, जो जनरेशन बढ़ती है। क्लियर है ये बात? पहली कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिम्नास्टिक फॉर द यूथ, और दूसरी लिखी थी खेल। क्लियर है ये बात? पहले में उन्होंने क्या किया था, कैसे रस्सी को चढ़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, चढ़ना, ये सब सारी क्रियाओं का अच्छे से उन्होंने बताया था कि कैसे, हमें प्रोसेस बताई थी। और दूसरी पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, मनोरंजन गेम बताए थे 105 कि जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड फ्रेश के साथ साथ आप शारीरिक स्वास्थ्य भी हो जाए। संपूर्ण मतलब कि सारी प्रोसेस बताई थी, कैसे गेम स्टार्ट होगा, क्या रूल होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए। क्लियर है बात? कौन सी दो पुस्तक लिखी थी ये याद रखना है, कौन से, जिम्नास्टिक फॉर यूथ और गेम। क्लियर है ये बात? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हमें, ज्यादा माथा पिछी नहीं करनी है आपको। लिखना है गट्समट, गट्समट के नीचे आपको एरो डाल के क्या लिखना है, महापिता बोला जाता था। उन्होंने दो बुक लिखी, कौन कौन सी, जिम्नास्टिक फॉर यूथ और गेम। इस गेम में उन्होंने कितने मनोरंजन के बारे में बताया था, 105 मनोरंजन क्रियाओं के बारे में बताया था। सिंपल, दैट्स इट, हमें अभी तक इतना ही पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हमारे किन के बारे में, फ्रेडरिक लुडविन, बहुत जाने माने शिक्षक बोल सकते हैं जिम्नास्टिक के, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया था, एक जिम्नास्टिक क्लब स्टार्ट किया था। उस क्लब को वो उन्होंने क्या नाम दिया था, टनविन क्लब के नाम से जाना था, टनविन। ठीक है, और ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, टनविन मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर होगा लुडविन जी ने स्टार्ट किया था। इसको जिम्नास्टिक के पिता बोले जाता है। महापिता कौन थे हमारे, गट्समन जी थे। पिता, फादर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी, इनको बोला जाता है, फ्रेडरिक लुडविन जी को बोला जाता है। दिमाग में छपा लो, रट लो, याद करो, कैसे भी करो, आपको नाम याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने, लुडविन जी महापिता नहीं थे, केवल पिता थे जर्मनी के। महापिता कौन से, गट्समन, और पिता कौन थे हमारे, लुडविन जी। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसमें नहीं। फिलंथ्रोपियन, जो पाठशाली थी वो किन्होंने बनाई थी, हमारे जॉन जी ने बताई थी, जो हमने प्रथम में पढ़ा था, समझ आ रहा है। अब हम तीसरे, जो वहां के जो मेन फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये लुडविन जी हैं, जिनको पिता की उपाधि दी गई, जिम्नास्टिक में पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, बड़ा ही फेमस एक आंदोलन, एक मूवमेंट निकाला था, उसको बोला था टर्न वैनरिक मूवमेंट बोला था। क्या बोला था, टर्न वैनरिक मूवमेंट बोला था। क्लियर है ये बात, ये वर्ड लिख लेना लुडविन जी के सामने। क्लियर है ये बात, ये देखिए इस तरीके के ये दिखते थे, ये इनकी छवि है, इनकी फोटो है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया समझना, इस ये जो इनका एक आंदोलन था, ठीक है, एक जहां पर वो क्रिया कराते थे, शारीरिक क्रिया कराते थे, उस जहां पर वो क्रिया कराते थे उसको उन्होंने टर्न प्लास का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, टर्न प्लास का नाम दे दिया। ठीक है, और टर्न प्लास का मतलब है व्यायामशाला, मतलब एक स्कूल टाइप खोल लिया, जहां पर एक रेक्टेंगल एरिया का था, रेक्टेंगल यानी कि इस तरीके का था, जिसके आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो समान है, उसको क्या बोला गया, रेक्टेंगल एरिया था। उस जो व्यायाम का जो एरिया था, उस शाला को उन्होंने क्या बोल दिया, टर्न प्लाज बोल दिया। क्लियर है ये बात। ठीक है, ये जो चलन था, ये जो मूवमेंट था इनका टर्न प्लाज का, जिस तरीके से क्रियाएं कराते, वो बहुत प्रचलित हो गई पूरे देश विदेश में, आप बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में इनका भैया बोलबाला हो गया। फिर क्या हुआ, बोलबाला होने के कारण इनको कुछ ऐसी चीजें हो गई उनकी लाइफ में कि इनको एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस मूवमेंट के कारण। सोचो आप, इस मूवमेंट के कारण उन्होंने क्या किया था, अरेस्ट हो गए थे। ये हम आगे वाली लाइन में देखेंगे, इस वाली लाइन में हम देखते हैं क्या है। देखो, 1000 से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में जुड़ने लग गए थे, टर्न प्लस के मूवमेंट। सोचो कितना चलन में आ गया था ये मूवमेंट। ठीक है, हमें केवल मूवमेंट का याद रखना है। फिर क्या हुआ, 1819 में जो मैं बात कर रही थी ना, उनको बंद कर दिया था, तो लुडविन जॉन पर क्या किया, आरोप लगा दिया गया और उन्हें कारावास में डाल दिया गया, और जो हमारा टर्न प्लस जो एरिया था उसको ताला सील मार दी, और जो इनका मूवमेंट था, टर्न करके मूवमेंट था ना, टर्न वेरियन,
इस मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सोचो, ठीक है, इतना जो चलन में आने वाला मूवमेंट है उसको क्या किया सरकार ने, बंद कर दिया। और अभी तक नहीं समझ आया बंद क्यों किया था, ज्यादा भीड़ के कारण समझ नहीं आया, बस इनको क्या किया, बिना कुछ इनको देके उनको क्या किया, बंद कर दिया, कारावास में डाल दिया। ठीक है, फिर वो वहां से कितने साल बाद, 6 साल बाद छूट के आते हैं, कब, 1925 में छूट कर आते हैं। ठीक है, 1852 में जो ये हमारा टर्न बैरिंज जो मूवमेंट था, क्रांति थी, उसमें जो हमारा प्रतिबंध लगा था ना उसको हटा दिया। बट बड़ी अफसोस की बात मैं बताऊंगी बड़े दुख के साथ, जब ये मूवमेंट हटाया गया जब तक लुडविन जी की मृत्यु हो चुकी थी। सोचो, मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद इस मूवमेंट पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाया गया। तो समझ आया, देखो सिंपल हमें समझ आया, जो लुडविन जी थे उनको पिता के नाम से जाना जाता है जिम्नास्टिक में, क्लियर है ये बात। सेकंड चीज, उन्होंने एक पाठशाला खोली थी, उस पाठशाला का जो एरिया था वो किस प्रकार था, रेक्टेंगल शेप में था, उसको टर्न प्लेस का नाम दिया गया। जो उनका मूवमेंट था उस मूवमेंट को क्या दिया गया था, टर्न वेरियन दिया गया था। ठीक है, फिर सरकार ने क्या किया, जहां उनकी जो गवर्नमेंट थी इस जो मूवमेंट था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, बोला कि भाई ये मूवमेंट गलत है, जो भी एक इशू था उस पर क्या गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो बेचारे हमारे लुडविन जी है, जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, शारीरिक क्रिया लोगों को जोड़ रहे थे, स्वस्थ रहने के लिए बता रहे थे, उनको क्या किया, कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। फिर वो 6 साल बाद छूट कर आए 1825 में, क्या हुआ, वो छूट कर आए। फिर 1852 पर और जो इनका मूवमेंट था उस पर प्रतिबंध हटा दिया। बट अफसोस इस बात का था, जब तक वो जिंदा नहीं थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके आंखों के सामने ये मूवमेंट नहीं हटा था। क्लियर है बात, तो ये वर्ड दिमाग में छाप लेना। ठीक है, फिर हमारे जो लास्ट है एडोल्फ जी के बारे में समझेंगे। एडोल्फ जी के बारे में हमें बस इतना ही समझना है, उन्होंने क्या किया था, जो शारीरिक क्रिया थी, जिम्नास्टिक थी, वो लोगों को एज अ पार्ट टाइम लगता था, क्या लगता था, पार्ट टाइम। तो उन्होंने स्कूल में इस चीज को लाना चाहा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शारीरिक व्यायाम को समान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनवाता है, कौन बनवाता है, हमारे एडोल्फ जी इसके बारे में काम करते हैं इसमें, कि पाठशाला में इसको लाया जाए, व्यायाम को लाया जाए। क्लियर है बात, और इन्होंने क्या की थी, दो बुक लिखी थी, इन बुक्स का नाम याद रखना, कौन सी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ स्कूल। जो आप देख रहे होंगे 11th-12th के बच्चे जो प्रैक्टिकल मैनुअल देखते हैं ना बुक, इस तरीके की उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्लियर है बात, उसका नाम था क्या था, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल, स्कूल के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल मैनुअल बनाई थी कि कौन कौन सी क्रियाएं कैसे कैसे क्या है, डायग्राम के साथ उन्होंने पेश किया था। कौन कौन सी बुकें लिखी थी, स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक, अगर आए जिम्नास्टिक फॉर यूथ जो बुक थी वो किन्होंने दी थी, याद करो मैंने बताया था गट्समत ने लिखी थी, याद आया, गेम्स, दो बुक उन्होंने लिखी थी, कौन कौन से, जिम्नास्टिक फॉर यूथ और गेम्स, वो किन्होंने लिखी थी, हमारे गट्समत जी ने लिखी थी, जिनको महापिता की उपाधि दी गई थी जर्मनी में, याद आया। इन्होंने क्या किया है, दो चीजें, दो बुक लिखी है, कौन कौन सी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल। क्लियर है ये बात, ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही याद करना है। ये लास्ट वाली लाइन देख सकते हैं, 1848 में जिम्नास्टिक व्यायाम को शिक्षा का एक अंग के रूप में मान्यता दी गई, कि हाँ भाई जिम्नास्टिक भी एक चीज है जो स्कूल में भी होगी और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और एज अ सब्जेक्ट लाया गया। क्लियर है बात, थोड़ा समझते हैं, हमने ना पूरी जर्मनी का इतिहास कवर किया है शारीरिक शिक्षा का, 4 लोगों के में, और इन्हीं 4 से अधिकतर क्वेश्चन आता है। आप चाहे कहीं से भी एमसीक्यू उठा लो, अगर आप जर्मनी का इतिहास उठा रहे हैं शारीरिक शिक्षा, मैं बार बार बल किसमें दे रही हूँ, सारे शिक्षा, आप नॉर्मल जर्मनी का इतिहास उठाएंगे, इसमें इनका शायद नाम बहुत कम, छोटा सा दिया हो, बट हमारे सारे शिक्षा में इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी,
हमने इतिहास देखा, इतिहास में हमने चार लोगों के बारे में डिस्कस किया। कितने लोगों के बारे में? चार लोगों के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से? हमारे जॉन जी, गट्समन जी, लुडविन जी और एडोल्फ जी। ठीक है, इनको तो भाई महापिता बोला जाता है, यानी कि ग्रैंडफादर, पहली लाइन। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जिम्नास्टिक। इन जर्मनी जरूर लगा लेना, जर्मनी की बात चल रही है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? स्कूल में लाया था, सिंपल, ऐसे हिस्ट्री याद की नहीं। इन्होंने क्या किया था? एक स्कूल बनाया था, व्यायामशाला बनाया था उस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, थोड़ा सा समझेंगे, हल्का सा। ठीक है, हमने इनके बारे में ऑलरेडी समझ चुका है। इन्होंने एक स्कूल बनाया था, कहां पर? देसाई में। स्कूल का नाम बड़ा ही फेमस हुआ था, क्या था हमारा? फैलेंथ्रोपिनियम। इधर से क्वेश्चन आता है, फैलेंथ्रोपियन, किन्होंने इस स्कूल को बनाया था? तो आपका आंसर आपको पता है, जॉन जी ने बनाया था। उसके प्रथम शिक्षक कौन थे? जॉन साइमन जी थे। क्लियर है ये बात? इतना समझ आ गया। एक स्कूल है, ये स्कूल कहां पर है? देसाई में है, और स्कूल का नाम क्या है? फैलेंथ्रोपिनियम है, बस, सिंपल। और ये बनाया किसने था? जॉन जी ने बनाया था, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। फिर उन्हीं के, ये देखो स्कूल आपको मैंने दिखाया था, फैलेंथ्रोपिन। फिर इसी में हमने देखा था कि एक और इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, उस इंस्टीट्यूट के प्रथम कौन थे? हमारे कार्ल आंड्रे जी थे, शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन के टीचर कौन थे? कार्ल आंड्रे जी थे। क्लियर है ये बात? समझ आ रहा है? गट्समन ने क्या थे? ग्रैंडफादर थे फिजिकल एजुकेशन के जर्मनी में। उन्होंने दो बुक लिखी थी, कौन कौन सी? फटाफट, जिम्नास्टिक फॉर यूथ और गेम्स, दो बुक लिखी थी। क्लियर है? जो हमारे थर्ड वाले आए थे लुडविन जी, उन्होंने एक ट्रांस यूनियन करके एक मूवमेंट बनाया था। उस मूवमेंट, एक स्कूल था रेक्टेंगल शेप में, वहां पर वो एक इस तरीके का इनका व्यायाम जहां पर वो कराते थे, वो एरिया था, उस एरिया को उन्होंने टर्न प्लास का नाम दे दिया। फिर इनको कार्यवास में डाल दिया, कार्यवास से उनको वापस आए 6 साल बाद। फिर भी उनका जो मूवमेंट था उसमें प्रतिबंध लगा हुआ था। फिर देखा थोड़े दिनों के बाद वो प्रतिबंध हट गया, बट क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्लियर है? एडोल्फ जी ने क्या किया? स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को लाना स्टार्ट किया, मतलब शारीरिक शिक्षा को एक दिया। उन्होंने भी दो बुक लिखी थी, ठीक है, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल लिखी थी और जिम्नास्टिक की एक किताब लिखी थी। क्लियर है ये बात? तो आशा करती हूँ आज का जो ये जर्मनी का हमारा जो इतिहास है शारीरिक शिक्षा में, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना आपको बताया जा रहा है आप उस पर फोकस करें और दूसरी बुक्स में देखें और क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर है ये बात? सो थैंक यू क्लास, आशा करती हूँ आपको आज का इतिहास अच्छे से समझ आ गया होगा जर्मनी का। थैंक यू क्लास।